table or two table? Thank you.
मुझे हम सबको आई थिंक 50 साल हो चुके हैं और जो ये लड़के लगातार काम करते आ रहे हैं पापा के लिए वो बहुत ही क्रेडिबल है. मेरा खुद का आई थिंक 37-38 ईयर्स हो गए ऑल्टामाउंट रोड पे और हर साल देख के दर्शन देते ही है. तो आई थिंक ब्लेस्ड है हम लोग कि 50वां साल का जो मौका है वो हमें मिल रहा है और गणपति बापा सबको सबके लिए और पापा सबको खुश रखे और हेल्दी रखे. और आप क्या कहना चाहेंगे यार के काफी क्वेश्चन दिन भी है कि अभी सही तरह आज फिर गणेश साइलेश हमारे सुनील भाई बचपन से इधर आते हैं और उनके गणपति जो हमारा है वो गरीब का दाता है और सुनील भाई और बड़े बड़े हो जाए भगवान को हम लोग प्रार्थना करते और ये अल्टामाउंट रोड जैसे एरिया में हमारे यहाँ के कार्यकर्ते हमारे गणपति उत्सव करते बहुत बड़ा बात है. आजू बाजू के बड़े लोगों को भी हम ये करते कि भाई ऐसा ही हमको पूरे प्यार रखो और ऐसा ही हमारे सुनील भाई दर साल में मदद करते सब करते उनके डैडी करते उनकी मम्मी करते ऐसा खानदानी हमारा बेटा है भगवान उसको सुखी रखे. सुनील और नरसाले और उनकी पूरी टीम भोसले भाई सब लोग हमेशा मानते भी बहुत है. ये एक चीज़ है कि आप जब दिल से कुछ करते हो तो आप देखो कितने लोग भी आए हुए पूरे इलाके के लोग आते हैं तो जब ऐसे लगता है कि एक पूरी फैमिली है न कि अलग अलग बिल्डिंग्स है न कि अलग अलग सोसाइटी है बल्कि एक सोसाइटी है. और यही हमारे त्योहारों की खूबी यही है. जब लोग बोलते हैं कि आजकल त्यौहार वैसे नहीं मनाने चाहिए दिवाली हो होली हो ईद हो जो भी हो यू नो क्रिसमस हो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये त्यौहार एक ऐसे त्यौहार है जब हम सब एक होकर जुड़ के और मिल के सब कुछ करते हैं और खास करके प्रार्थना जो हम करते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं वो बहुत बड़ी बात है. अन्ना पापा के दरबार में कुछ ना मांगे ऐसा हो नहीं सकता. क्या विश मांगे थोड़ा सा अच्छा हेल्दी मेरे लिए ही नहीं सबके लिए यही दुआएं मांगता हूँ कि प्रोग्रेस हो हमारे देश का प्रोग्रेस हो और एक बन के हम रहे. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वन इंडिया वन पीपल भगवान करे ऐसे ही रहा है और किसी की बुरी नज़र बाहर वालों की बुरी नज़र हमें नहीं लगे खास करके हमारे जो नेबर्स हैं उनकी बुरी नज़र हमें नहीं लगे. आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं हम लोग सुनील और पूरा रोड के तरफ से ये 50वां साल मना रहे पर हमको ये पूरा रोड में सभी लोगों का जो रेसिडेंस है उनका सपोर्ट है उसके लिए हम कर रहे हैं. सुनील मेरे साथ 38 साल से काम कर रहा है. केशव भोसले जी सब काम कर रहे हैं. हम लोग इनके बदौलत हम लोग गणपति ला रहे हैं तो हमारे ये रोड में गणपति लाना हमारी हिम्मत नहीं है. मुश्किल है बहुत मुश्किल. हम जो मेहनत करके उनके सपोर्ट से ला रहा है इसलिए मैं हमेशा रात दिन हमें हमारे साथ रहे ऐसा मेरा गणपति आशीर्वाद. इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पूरी गूज़बम्प और आप देखो ना इमोशनल बहुत हो जाते हैं इंसान और जब माहौल सही होता है और जो जो भावना सही होती है ना तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं लोग. तो यही चाहते हैं कि ये इमोशन सारे देश में फैले और जहाँ जहाँ जो जो गणपति बापा में बिलीव करते हैं उनके घरों में वो खुशी और वो इमोशंस फ्लो हो. गुस्सा नहीं होगा माफ़ी करना चाहेंगे हम और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अच्छा ही हो लेकिन जब बार बार तकलीफ होती है तो फिर तो चोट तो पहुंचता ही है और कभी ना कभी तो बड़ा भाई हो या पिता हो खड़ा होता ही और बच्चे को डांटने जाता ही है. तो यही हो कि सब अच्छा हो और सब खुशल मंगल हो. वो अब अगली बार अभी गणपति बापा के बाद सामने आपने बोला बस आशीर्वाद दे दीजिए और कुछ नहीं. आशीर्वाद भी लेने आए हैं एक तरह से देखा जाए पहलवान के लिए नहीं जनरली आता ही हूँ फिल्मों से रिलेटेड फिल्मों से दूर ही रखता हूँ इन चीज़ों को. ये पर्सनल एक पर्सनल चीज़ होती है और इसीलिए फिल्मों को दूर रखूँगा इससे. सब खुश रहे मैंने कहा भी खुश रहे हेल्दी रहे और प्यार बना रहे और एक परिवार बन के रहे बस. थैंक यू थैंक यू.
सुनो 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 सु